आवत ना सुनी जो आंख इन तना डरी वो मार से का डरी तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे रख नहीं सकता, जंगल में छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया 9 महीने के बाद तारा के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया, तो बड़ा तेज था उस बेटे में। गुरु बृहस्पति जी बोले मुझे चाहिए, चंद्रमा बोला मेरा है। जब झगड़ा हुआ तो न्याय हुआ है, जब तो चंद्रमा का बेटा था इसलिए चंद्रमा को दे दिया। उस पुत्र का नाम पड़ा है बुध। क्या नाम पड़ा? बुध। चंद्रमा के हुए बुध और बुध के हुए पुरवा। पुरवा के 5 पुत्र हुए जिनमें सबसे बड़े थे राजा नहुष। नहुष ने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने बस में कर लिया था, ऐसा था वो राजा। तो एक दिन की बात, इंद्र की गद्दी इसके हाथ में है, ये आ रहा था तो इंद्र की पत्नी इंद्राणी हट्टे पे खड़ी। इंद्राणी ने इसे देख के जरा सा मुस्कुरा दिया। वो तो इसलिए मुस्कुराई कि जी हमें देख रहे, लेकिन राजा कुछ और ही समझ बैठो। घर पे जाते ही जाते पत्र लिखा, ए मेरे दिल की देवी, आगे समाचार ये है कि मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ, अगर विवाह नहीं किया तो मैं आपके पति को जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। और बोले हैं